नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो करने वाले हैं ये करने वाले हैं इनइक्वालिटी, और ये कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि हम केवल 5 सेकंड में अपने हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए जादुई मेथड को कि किस तरीके से हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आपके पीओ प्रीलिम्स हो, क्लर्क प्रीलिम्स हो, या फिर एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, या फिर एसएससी हो, या रेलवे के एग्जाम हो, कुछ इस तरह का इनइक्वालिटी आ रहा है जो कि टुकड़ों में आ रहा है। ठीक है, आपको इस तरह की इनइक्वालिटी को करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जनरली एक चैन बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, और उस इक्वेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ऐसा नहीं करना, यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि इक्वेशन बनाइए तो इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनाना है। सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सी और ई के बीच में रिलेशन दिया गया है। क्या कह रहा है, सी बड़ा और बराबर है ई से। सो यहाँ पे देखो तो सी तो यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है, बी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो बी यहाँ पे छोटा और बराबर है सी से, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी बड़ा और बराबर है ई से। अगर बी बड़ा और बराबर है ई से तो इसका मतलब है कि बी से जोड़ना पड़ेगा, तो बी को बड़ा और बराबर है मुझे क्या करना पड़ेगा, ई करना पड़ेगा। और जैसे ये स्टेटमेंट आता है, अब आप देखो सी बड़ा और बराबर हो जाएगा दोनों तरफ से ई से, यानी कि आपका आंसर सही है। आपने कुछ किया क्या, नहीं, डायरेक्टली आंसर आ गया। सेकंड देखो तो डी क्या कह रहा है, छोटा है एफ से। अब डी एफ से छोटा है तो यहां पे देखो तो बी और डी के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, अपोजिट सिंबल। और यहां पे अगर मैं बी को लेके आऊंगा एफ से तो बी तो बड़ा और बराबर हो गया। अगर मैं बी को बड़ा और बराबर भी कर दूंगा लेकिन मैं यहां से जाऊंगा तो इस अपोजिट सिंबल के बीच में सही ना, यानी कि मैं कह सकता हूं यह गलत है। बात समझ में आई। देखो एक और एग्जाम्पल करता हूं, यहाँ पे फिर से हमारे पास चैन कितने में आई है, दो, इक्वेशन दो में ब्रेक हो गई। टी किससे बड़ा है, एस से। अगर मैं देखूं तो टी यहाँ पे है और एस यहाँ पे, तो कॉमन वेरिएबल तो पी आ रहा है, तो टी अगर पी से बड़ा होगा, पी से बड़ा होगा तो मेरे पास क्या आ गया, अपोजिट सिंबल आ गया, क्योंकि आना तो मुझे पी से ही क्यू पे, क्यू से आर और आर से एस पे पड़ेगा। तो जब मैं पी से ही रिलेशन नहीं निकाल सकता क्यू और एस के बीच में, तो मैं किसी और से तो रिलेशन कैसे निकाल दूंगा, यानी सीधे बोल सकता हूँ गलत है। बात समझ में आई। सेकंड क्या कह रहा है कि v बड़ा और बराबर है q से। अगर मुझे v को बड़ा और बराबर है q से करना पड़ेगा तो यहां देखो तो v तो बड़ा और बराबर हो गया p से। अगर v बड़ा और बराबर है p से तो ऑब्वियसली बात है q से भी बड़ा होगा। ये देखो आपका आंसर आ गया सेकंड करेक्ट। बात समझ में आई। देखो और आसान बनाता हूं आपके लिए। अभी देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, s छोटा है और n से। अगर यहां पे देखो इस पूरी पिक्चर में क्या दिख रहा है, और इस पूरी पिक्चर में क्या दिख रहा है, आप कहेंगे सर p कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे s का और n का रिलेशन है, तो s तो मुझे यहां से मिलेगा, n मुझे यहां से मिलेगा, कॉमन p मिल रहा है। अगर p बड़ा है s से, तो अगर p बड़ा कर दूंगा मैं s से, सपोज करो p बड़ा है ना, तो p को ऐसे करना पड़ेगा, तो p बड़ा हो गया s से, तो मुझसे क्या कह रहा है, p छोटा बराबर है n से। इसका मतलब है हर कंडीशन में s छोटा होगा n से, क्योंकि जब भी ये और ये सिंबल आता है तो प्रायोरिटी हमेशा इसी सिंबल को मिलती है। यानी आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था, पहला सही है यहाँ पे। सेकंड देखो l बड़ा और बराबर है r से, यानी L को R से कनेक्शन करने के लिए मुझे L इज ग्रेटर देन इक्वल टू P करना पड़ेगा, और अगर L को P से करूंगा तो भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अपोजिट सिंबल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि L अगर बड़ा और बराबर हो जाएगा P से तो फिर यहाँ पे तो छोटा और बराबर हो गया PN से, यानी कि अपोजिट सिंबल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहला करेक्ट हो। मेरी बात जुड़ रही है आपको, कनेक्ट हो रही है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार मैंने 3 कंक्लूजन करके चैन को 2 में ब्रेक कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे जेड और सी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि यहां से सीधे यहां पे आना है आपको, तो इसको भूल जाओ, इसको मत काम में लो। जेड अगर छोटा है एक्स से तो एक्स छोटा है सी से। अगर जेड छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है सी से, इसका मतलब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जेड छोटा है सी से, यानी आपका पहला कंक्लूजन सही हुआ। अगर ये कहता है आर बड़ा है डी से, तो देखो अगर मुझे लेके आना होगा तो मुझे एक्स को छोटा करना पड़ेगा डी से, यानी एक्स छोटा है डी से। और अगर x छोटा है d से और मुझे r से कनेक्ट करना है इसको, तो x को छोटा करने के लिए मुझे d को ऐसे रखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ये रिलेशन लेके आऊंगा मेरा ये यहाँ पे अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट सिंबल आ जाएगा, और अपोजिट सिंबल आते ही आपको पता लग ही जाएगा कि कनेक्शन ये बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं तीसरे इक्वेशन की बात करूं, तीसरा इक्वेशन कहता है कि b छोटा है x से, तो देखो यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, कॉमन वेरिएबल की बात करूंगा तो कॉमन x आएगा, और x भी आता है तो भी ये किसी भी तरीके से रिलेट नहीं हो रहा। अच्छा y आ रहा है यहाँ पे, तो अच्छा y आ रहा है तो भी ये रिलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ फिर भी अपोजिट सिंबल जा रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या कह सकते हो, यस यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक बार यहाँ से ब्रेक हो रहा है, एक बार यहाँ से ब्रेक हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, n छोटा है b से, यानी कि b यहाँ पे है और n यहाँ पे है, दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल की बात करूंगा तो कॉमन वेरिएबल मुझे c से e जोड़ेंगे, e से यहाँ पे जोड़ेंगे,
यानी अगर सी बड़ा है ई से तो ई बड़ा है एन से, और अगर एन से बड़ा है तो सी बड़ा है ई से। इसका मतलब मैं हर हालत में कह सकता हूं कि जो बी है वो बड़ा होगा एन से। अगर बी बड़ा होगा एन से तो मेरा पहला यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो डी बड़ा है ई से। अब डी बड़ा है ई से तो ये बात हो, डी यहाँ पे तो इससे छोटा हो रहा है, अगर सी से छोटा हो रहा है तो किसी भी हालत में ई से बड़ा नहीं हो सकता, ये गलत है। ए और एफ के बीच में रिलेशन निकालना है तो सी अगर एफ से बड़ा है तो सी यहाँ पे भी बड़ा होगा और अपोजिट सिंबल यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये भी गलत हो गया। तो आपको पता लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। आई होप सो आप सभी को ये मैजिकल सेशन बहुत अच्छा लगा है। और माय डियर स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी एक 4 घंटे की मैराथन ले चुका हूं, 4 घंटे की एक क्लास ले चुका हूं, जो कि आपके हर एक प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो ध्यान रखिएगा, जो लास्ट संडे है, लास्ट संडे को मैं ये क्लास ऑलरेडी डन कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो गो फॉर इट, इस क्लास को जरूर देखिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।